हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलोम का मिलान करेंगे। अब आज को ध्यान से सुनिएगा। सुनने से आता है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने के लिए मैंने यह व्यवस्था बना रखी है। एक बार आप बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा। अगर आवाज़ क्लियर ना हो तो चित्र मैं बनाऊंगा, एरो से आप पता करके चाहें तो नोट्स को लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं गमन। गमन का विलोम, गमन, स्थावर, मौन, गरिमा। एक साइड में लिखा है वचाल, जंगम, आगमन, लघिमा। तो गमन, गमन का विलोम आगमन। अस्थावर का विलोम कई बार पूछा हुआ है, जंगम याद कर लीजिएगा। मौन, मौन का विलोम वाचाल। गरिमा, गरिमा का विलोम लघिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विस्तार लिखा है मौखिक, थोक, प्राचीन, मिलान वाले में लिखित, परचून, संक्षेप, अर्वाचीन। देखिए विस्तार का विलोम होगा संक्षेप, मौखिक का विलोम होगा लिखित, थोक का विलोम होगा परचून, और प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 3, दिया हुआ है संपन्न, गरिमा, अनाथ, अल्पज्ञ, लघिमा, बहुज्ञ, विपिन, सनाथ। अब देखिए संपन्न का विलोम होता है विपन्न, गरिमा का सब लोग जानते हैं लघिमा, अनाथ का विलोम बहुज्ञ, अल्पक का विलोम अनाथ का विलोम सॉरी अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, और अल्पक का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अनाथ का सनाथ और अल्पक का विलोम होगा बहुज्ञ। सॉरी थोड़ा सा रात की वजह से दिक्कत हो रहा था। मिलान करें सकारात्मक, सकारात्मक का विलोम सकारात्मक, अथ, उर्वर, भूषण, इति, उसर, दूषण, नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम होगा नकारात्मक, अथ का बताइए क्या होगा इति, उर्वर का विलोम उसर, भूषण का विलोम दूषण। क्वेश्चन नंबर 5, हे सृष्टि, धर्म, मानव, दानव, प्रलय, ग्राह, अधर्म। आपको बताना हे का विलोम होगा ग्राह, सृष्टि, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, धर्म का विलोम होगा अधर्म, और मानव का विलोम होगा दानव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कृतज्ञ एक साइड में दिया हुआ है, कृतज्ञ, विपत्ति, अनुराग, दक्षिण। मिलान साइड में दिया है वाम, विराग, कृतघ्न, संपत्ति। अब देखिए कृतज्ञ का विलोम हमेशा कृतघ्न होता है, विपत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, अनुराग, अनुराग का विलोम विराग, दक्षिण, दक्षिण का विलोम वाम। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, एक साइड में दिया हुआ है आशा, परोक्ष, क्षणिक, निर्लज, और दूसरे साइड में दिया हुआ है प्रत्यक्ष, सलज, निराशा, शाश्वत। बताइए आशा का विलोम हो जाएगा निराशा, परोक्ष का विलोम हमेशा प्रत्यक्ष होता है मालूम ही आपको, क्षणिक, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत, और निर्लज का विलोम हो जाएगा सलज। क्वेश्चन नंबर 8 मिलान करना है, मिलान साइड में दिया है अनंत, अर्पण, आम, मृदुल, और इस साइड में दिया है खास, ग्रहण, अंत, रुच। अब देखिए अनंत का विलोम अंत आया हुआ है, अर्पण का विलोम ग्रहण, आम का विलोम खास, और मृदुल का विलोम रुच। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, एक साइड में दिया है मौलिक, अनभिज्ञता, समास, निजी, और दूसरे साइड दिया है व्यास, सार्वजनिक, विज्ञता, अनुदित। तो याद रखिएगा हमेशा मौलिक का विलोम अनुदित, अनभिज्ञता का विलोम विज्ञता, समास का विलोम व्यास, और निजी का विलोम सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विलोम मिलान करना है अनुरक्ति। एक साइड में दिया है अनुरक्ति, फिर संकीर्ता, वैकल्पिक, उपकार, दूसरे साइड में दिया है अपकार, अनिवार, विरक्ति, उदारता। तो अब आपको बताना है अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, संकीर्णता का विलोम उदारता, सरल, वैकल्पिक का विलोम अनिवार्यता, और उपकार का विलोम अपकार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक साइड में दे रखा है गौरव, उपाधेय, कृश, मुख्य, दूसरे साइड में स्थूल, गौड़, अनुपाधेय, लाघव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में गौरव, गौरव का होता है लाघव, उपाधेय का अनुपाधेय, मुख का हमेशा गौड़ होता है,
और क्रिस का स्टूल होता है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। महान महा एक साइड में दिया क्वेश्चन नंबर 12 में, महान पुनः संधि पुनः धनवान पुनः नीव, दूसरी साइड में दिया है अधिक अकिंचन ग्रहण तुच्छ। तो महान महान का विलोम होता है हमेशा तुच्छ, संधि संधि का विलोम विग्रह, धनवान का विलोम अकिंचन और नीम का विलोम अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मिलान करना है। एक साइड में दिया है विकास परकिया कलुष सन्यासी, दूसरे साइड में गृहस्थ स्वकिया ह्रास निष्कलुष। विकास का हमेशा विलोम आपको मालूम ही होगा ह्रास होगा, परकिया का विलोम स्वकिया, कलुष का विलोम निष्कलुष, सन्यासी का विलोम गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिलाना है उपकार आगत स्मरण महान, अनागत अपकार शूद्र विस्मरण। अब बताए उपकार का आपका आगत का अनागत स्मरण का विस्मरण और महान का शूद्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुख्य अनुराग संयोग सामिस, दूसरे साइड में दिया है विराग निरामिस वियोग गौण। अब देखिए मुख का आपको मालूम ही होगा, मुख का हमेशा होता है क्या गौण, अनुराग का विराग, संयोग का वियोग विलोम जानना है और सामिस का निरामिस। इसको आप ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके लिखते भी रहिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत।